हेलो हेलो, वेलकम टू द गुड फूडी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, टेस्टी एंड इजी सा डिजर्ट। काफी हेल्दी है एंड इक्वली अमेजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्टफिंग बना लेंगे इसका। तो स्टफिंग के लिए क्या करेंगे, एक पैन में एक चम्मच घी डाल के उसमें हम डालेंगे एक कप चॉप्ड कटहल। कटहल को हल्का सा बस रोस्ट कर लेना है। जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड गुड़। गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसमें मैंने ऐड किया एक कप ग्रेटेड कोकोनट एंड अच्छे से मिक्स कर लिया। 5 से 7 मिनट तक अच्छे से चलाने के बाद देखना, ये काफी चिपचिपा सा हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि ये बिल्कुल डन है। तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फाइनली इसमें मैंने किशमिश ऐड किया जो कि मेरे से स्किप हो गया था। चलो ये स्टफिंग तो रेडी है, अब इसका कोटिंग बनाते हैं। तो कोटिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ अराउंड 8 से 10 कटहल लेके अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन एक बोल में मैंने लिया 1 कप चावल का आटा, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच घी एंड अच्छे से मिक्स कर लिया। जब घी अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेल्टेड गुड़। अगेन गुड़ आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ अराउंड 2 चम्मच गुड़ डाला है एंड फाइनली ऐड किया अपने कटहल का पेस्ट एंड अच्छे से मिक्स कर लिया। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही इसे बिल्कुल गूंदना है, बट ध्यान रहे कि बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बने। थोड़ा सा चिपचिपा ही रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। इसे गूंदने के लिए मैंने एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर यूज किया है, इससे काफी स्मूथ डो बनेगा। अब इस डो को मैंने अराउंड 15 टू 20 मिनट्स के लिए ढक के रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट्स बाद हम क्या करेंगे, कटहल का पत्ता लेंगे एंड इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है ट्राइंगुलर शेप में एंड एक टूथपिक की मदद से इस तरीके से सिक्योर कर देना है। अब जो चावल का आटा लगाया था ना हमने, उसे थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ एकदम पतला करके फैला लेंगे ताकि पूरा का पूरा जो लीफ है ना वो कवर हो जाए। देन हम नारियल एंड कटहल वाला स्टफिंग लेंगे एंड अंदर से इस तरीके से फिल कर लेंगे एंड फाइनली थोड़ा सा और चावल का आटा लेके ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम अच्छे से सील कर देंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से मैंने यहाँ अराउंड 8 पीसेस बनाए हैं। अब करना कुछ नहीं है, इसे बस स्टीम करना है। तो यहाँ मैंने ये मोमो वाला स्टीमर लिया है। आप कोई भी जाली वाला बर्तन ले लीजिए और इसे स्टीम कीजिए ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट्स के लिए। एंड ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं कप को खोल के दिखाती हूँ। इसे एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो गए ये। आप चाहें तो इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं, यहाँ से गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। मुझे ये ठंडा करके ही अच्छा लगा था खाने में। एक्चुअली ये एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डिज़र्ट है। अगर आपने कभी ये डिज़र्ट खाई है या फिर आपको अगर इसका नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो इस रथ में ये डिज़र्ट बनाइए और मस्त मज़े लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।